बे, इसका एक्स के साथ हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं। ऋषि का फोटो मैंने स्टोरी में डाला था ना वाई, बट आई लव यू, वांट यू गाइस। गाइस अभी मुझे ये फोटो भी मिला, सी गैस्ट्रिक अपसेट प्लस 30K प्लस, आई डोंट रिमेम्बर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर YouTube चैनल, दिस इज CM व्लॉग्स। सो गाइज ये बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो गई है अपने लाइफ से, अपने काम से, एंड शी नीड्स अ ब्रेक, तो आई एम टेकिंग हर ऑन अ वेकेशन। झूठ मत बोल, मुझे तो सारा दिन झूठ बोलता रहता है, व्यूअर्स को उल्लू मत बना। सो गाइज वेकेशन तो हम जाएंगे पर बाद में, अभी नहीं। सो मैं मर के जाएगा, ये मैं मरने वाली हूँ, बहुत गर्म है गाइस, मुझे एसी चाहिए, लेकिन ये मुझे एसी नहीं लगा रहा है, एसी नहीं लगवा रहा हूँ मैं, क्योंकि एसी आता है 30,000 का। सो गाइस आज का वीडियो तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या होने वाला है। तुमको पता है क्या होने वाला है? नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे घर जाना है, मुझे सोना है। आज मैं करूंगा ग्रेसी का फोन चेक, आई चेक योर फोन। Where are you going? Sit here. तो guys मैं करूंगा आज ग्रेसी का फोन चेक। तुम्हारा करूंगी मैं। मेरा भी करो। मैं नहीं दूंगी। Are you kidding me right now? Yes. So guys देखो हम लोग रिलेशनशिप में, फोन बहुत ही प्राइवेट है, प्राइवेट सामान है, नहीं करने दूंगी। Shut up. देखो गाइज हम लोग का 4-4 ईयर का रिलेशनशिप है एंड हम कभी भी एक दूसरे के फोन चेक नहीं करते है। गाइज आप लोग पूछते हो ना हैप्पी रिलेशनशिप का सीक्रेट, वही है, कभी भी एक दूसरे का फोन चेक नहीं करना है। गाइज मुझे लग रहा है ये वीडियो नहीं जाएगा। मैं जा रही हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं ग्रेसी का फोन चेक, वो भी आप लोगों के सामने कि क्या क्या है इसके फोन में। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं मम्मी के लिए एसी खरीदने, और बहुत ही ज्यादा गर्मी है बाहर। गाइस मम्मा बॉय ऐसा होता है, गर्लफ्रेंड के लिए तो नहीं खरीदता है, सिर्फ मम्मी के लिए खरीदता है। गर्लफ्रेंड यहाँ पर मरने वाली है, लेकिन इसको कोई, गाइस मैं सच बोल रहा हूँ, ये खरीद सकता है, शी अर्न्स, बट मेरा मम्मी नहीं करता है, तू अर्न नहीं करता, तू अपने लिए खरीद सकता है ना। क्यों तू ने, मैं तेरा गर्लफ्रेंड हूँ तो तुझे ही मेरे लिए खरीदना पड़ेगा ना। ओके गाइस तो इसका बात काट के मैं बोल रहा हूँ, आई एम अप्लाइंग दिस क्योर स्किन का सनस्क्रीन जो कि मैं हमेशा से करते आया हूँ। व्हाट, मैं भी देखना चाहती हूँ, व्हाट डू यू वांट टू सी, क्योर स्किन का सनस्क्रीन, बट यू कैन नॉट यूज इट। ओके क्यों? क्योंकि ये सिर्फ मेरे स्किन के लिए ही बना है, एंड मेरा जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उसने ये किट सिर्फ मेरे लिए प्रिपेयर करके दिया है, तो यू कैन नॉट यूज इट। तो मैं खुद का भी किट प्रिपेयर कर सकती हूं? ऑफ कोर्स यू कैन, कंपनी ऑर्डर करो ना तुम्हारी। आई गेस आई विल डू इट बिकॉज अभी बहुत गर्म है, तो गाइज और मैं इतना टैन हो गई हूँ। तो गाइज जो भी मेरा व्यूअर्स है उन लोगों को तो पता ही है कि क्योर स्किन में कब से, लाइक 1 ईयर हो चुका है मैं क्योर स्किन यूज कर रहा हूँ। ये जो किट है वो सिर्फ मेरे लिए प्रिपेयर किया गया है मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट, एंड इट इज ओनली फॉर माई स्किन, क्योंकि सबका स्किन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का होता है ना, तो तुम्हारा भी डिफरेंट टाइप का स्किन है, इसीलिए तुम्हारे लिए, अच्छा स्पेल आ रहा है ना, तो इसीलिए तुम्हारा स्किन टाइप के लिए तुम्हारा डर्मेटोलॉजिस्ट दूसरा ही किट तैयार करके देता है, तो यू कैन नॉट यूज माई, एंड मैं भी तुम्हारा यूज नहीं कर सकता हूँ। क्योर स्किन ने काम कर दिया तुम्हारे स्किन में? यू कैन सी द डिफरेंस, एंड कैन सी द डिफरेंस, मिलिया कम हो रहा है, बट आई सी इट फेडिंग यहाँ पर। यस तब से मैंने क्योर स्किन का ये किट यूज किया है, क्योर स्किन का प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया है, क्योर स्किन का प्रोडक्ट जब से मैंने यूज करना स्टार्ट किया है, तो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ विजिबल रिजल्ट्स, जहां पर मेरा लाइक मेरा हेल्थ भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, मेरा स्किन भी बहुत ही अच्छा हो रहा है, तो मैं इसको भी कब से बोल रहा हूँ कि क्योर स्किन यूज करना स्टार्ट कर दे। तुम्हें क्या कर रहे हो? तुम्हें फोन ले रहा हूँ, जो बिंग योर फोन। सो गाइज जिसको भी क्योर स्किन, यस इट इज द ऐप, सो गाइज दिस इज द ऐप, एंड ये डाउनलोड करो अभी, डाउनलोड कर, डाउनलोड कर, मैं देखो ना,
मेरा व्यूअर्स को तो पता है कि क्योर स्किन क्या है, एंड जिसको भी नहीं पता है, एंड तिमीलाई पनि भनिदिन्छु म, सो इसको भी मैं बोल दे रहा हूँ इधर ही. सो यू हैव डाउनलोडेड हो रहा है. ओके, सो जिसको नहीं पता है, क्योर स्किन एक डर्मेटोलॉजिस्ट बेस्ड ऐप है, जहां पर आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के बारे में बता सकते हो. तिमी पनि राम्ररी सुन, सो बता सकते हो लाइक जो भी प्रॉब्लम्स है आपका स्किन में वो भी आप लोग बता सकते हो. उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, उसके बाद आपको एक फेस स्कैन करके फोटो क्लिक करके आपको भेजना पड़ेगा अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास. एंड उसके बाद आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एक किट तैयार करके देता है, जैसा कि ये मेरा किट है. सो यो चाहिँ मेरो किट हो, अन्त यसमा चाहिँ मेरो थाहा छ तिमीलाई कतिवटा प्रडक्ट आएको थियो, चारवटा प्रडक्ट आएको थियो होइन. फेरि त्यो पनि लाइक इट्स भेरी अफोर्डेबल. लाइक गाइज, जैसे कि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोग भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो भी आपका स्किन में प्रॉब्लम्स है ना, वो जो आप स्कैन करोगे उसमें डिटेक्ट हो जाता है. जो भी छोटा से छोटा जो भी बम्स वगैरह, एक्ने, जो कुछ भी है, वो सब कुछ डिटेक्ट हो जाता है. उसके बाद आप वो पिक्चर भेजने के बाद आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एक किट तैयार करके देता है, जो कि सिर्फ आपके स्किन टाइप के हिसाब से बनेगा. वो मुझे भी मिला था, मैंने आप लोगों को दिखा दिया है अभी, तो उसमें 4 प्रोडक्ट्स आया था एंड इट इज वेरी अफोर्डेबल. वो मुझे मिला था 1500 रुपीज के अंदर. किनभने तिमी जान्छौ यानी स्किन डाक्टरलाई देखाउँछौ भने हैन, त्यसको एक्स्ट्रा खर्च लाग्छ. फेरि एउटै सामानकै 1200 त पर्छ, 1500. एक्ज्याक्टली. तो गाइज ये भी बोल रहा है कि वो बहुत ही अफोर्डेबल है फॉर 4 प्रोडक्ट्स एंड टू हार्ट छोड़ बहुत फॉर 4 प्रोडक्ट्स बहुत ही अफोर्डेबल है. अगर आप लोग ही यहाँ पर लाइक कहीं पर भी आप लाइक बाहर जाके डर्मेटोलॉजिस्ट को आपका स्किन दिखाओगे, तो एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, दिखाने का एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा, प्रोडक्ट्स का एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा. एंड गाइज, अगर तुम भी अगर मेरा कूपन कोड यूज करोगे विच इज CM250, देन यू विल गेट 250 रुपीज ऑफ ऑन योर ऑर्डर. तो उसके साथ ना तुमको क्या मिलेगा बोलो तो, तुम्हारा जितना किट का प्राइस है उतना ही देना है. उसके बाद तुमको फ्री ऑफ कॉस्ट में तुमको मिलेगा मंथली फॉलो अप्स एंड डाइट प्लान की क्या क्या तुमको खाना है, जो जो कि तुम्हारी स्किन के लिए एंड तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है वो है, एंड कितना पानी पीना है दिन में वो भी. लाइक मेरा डर्मेटोलॉजिस्ट हैज सजेस्टेड मी टू ड्रिंक एटलीस्ट 3 liters ऑफ वाटर पर डे, एंड मैं वो तो देखती हूँ तुम्हें कितना ज्यादा पानी पीता हूँ ना. एंड मंथली फॉलो अप्स मिले, एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस लाइक क्या क्या करना पड़ेगा तुमको लाइफ स्टाइल हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए ना, सो वो सब मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में. सो गाइज, यू जस्ट हैव टू पे फॉर द किट एंड एवरी थिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट ना. तो अभी इसका भी किट रेडी हो रहा है. तो गाइज, इफ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड देन द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड इन द कमेंट सेक्शन. तो आप लोग भी जाके वहां से ऑर्डर कर सकते हो, मैंने जैसे बोला है आप लोग वैसे करके ऑर्डर कर सकते हो. एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई कोड विच इज CM250 टू गेट एन अडिशनल 250 रुपीज ऑफ. एंड ये जो कोड है, दिस इज ओनली फॉर फर्स्ट 200 कस्टमर्स. तो आप लोग जाके फटाफट से कर लो. एंड आप लोग यू हैव टू बी एंड तक, क्योंकि इसके फोन में क्या क्या मिलेगा आज देखते हैं. इसका एक्सेस के साथ क्या क्या बात करती थी ये. मैं तो अभी जाके डिलीट कर रही हूँ. दैट इज नॉट फेयर, दैट इज नॉट फेयर. यू कैन नॉट टच और यू कैन नॉट डिलीट एनीथिंग. तो ये जो कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है ना, ये इसका नया फोन है. इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर मेरे पास ही होता है ये फोन. तो इसका मेन फोन ये है. I was just lying guys, मेरे फोन में कुछ नहीं, मेरा फोन तो खाली डब्बा है. पहले तो हम लोग जाएंगे एसी लेने के लिए, तो सी यू इन अ वाइल. और इतना आना भी आ रहा है. तो गाइज, हम लोग आ चुके हैं एंड हमारे साथ है क्रिसी का मम्मी एज अ स्पेशल गेस्ट, कि इसका फोन में क्या क्या है चेक करने के लिए हम लोग के साथ आया है. तो अभी लेट्स गो, गिव मी योर फोन. मैंने इसको मेरा फोन तो दे दिया, लेकिन बैटरी बैटरी भी गाइज देखो, सिर्फ 20% ही है बैटरी. 20% क्या चेक करूं पहले बोलो. सबसे पहले मैं इसका फोन में मेरा नाम क्या लिखा है वो देखूंगा. XO सिमरन डांसर XO जोड़े मने को तुम्हें लेते हो ये देखो बीच से. ओके ओके, मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है जोरेम अजुम्मा. Oh no! जोरेमोन अजुम्मा. तो गाइज, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये मुझे अजुम्मा के बुलाता है. और देखो, आप लोग देख सकते हो कि ये फोन में भी मेरा नाम जोरेमोन अजुम्मा ही लिखा है. क्यों लिखा ऐसा नाम, अच्छा वाला नाम.
अच्छा वाला नाम नहीं ढूंढ सकता था मेरा मर्जी मिच्चू चाहिए। एंड दूसरा वाला है यहाँ पर जोरेम पार्सल लाइव लोकेशन। इसके फोन में किस किस का कॉन्टेक्ट है? चोर कौन है? वो एक बार मेरा लहंगा चोरी किया था ना। लहंगा चोरी हुआ था ना मेरा एक बार गाड़ी से ही। गाइस देखो यहाँ पर चोर लिखा हुआ है। इसके फोन में चोर का भी नंबर है। मेरा दोस्त है चोर, हम लोग साथ में मिलकर चोरी करते हैं रात में जाके। इसके फोन में ऐसे तो कुछ होगा नहीं जैसा लग रहा है। इसके फोन में ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है, सब काम का ही दिख रहा है। एक ही मिला था वो चोर का। ये क्या है गाइस? ये देखो ये खुशी का पहला नंबर। ओह माय गॉड। तो गाइस इसका कांटेक्ट में उतना ही है, तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। एंड मेरा नाम तुमको चेंज करना पड़ेगा अभी। लेट्स गो, फोटो देखते हैं। फोटो जिमी में है। तो गाइस मुझे बहुत पहले का फोटो और वीडियो मिला। चलता है ये वीडियो? जो वीडियो है ना ये बहुत पहले का है, जब हम लोग पहले फर्स्ट टाइम मिले थे तब का ना। तब हम लोग ने एक YouTube वीडियो बनाया था, तब का ये वीडियो, आप लोग देखो। तुमको उतना भी नहीं पता था दंतेना कब आता है? भूल गई मैं। इसको क ख भी नहीं आता है। भूल गई मैं। क ख ग ग ग क ख ग ग ङ च छ ज ज ञ ट ठ ड ढ म ड न त थ द द दन्तेना य र ल व त ल स म ड न स ह अ ड अ ड छ त र ग प फ ब ग म छ म ग म छ। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ थोड़ा थोड़ा। ओहो ये फोटो भी अभी तक इसके पास है ना? तीन रह गए थे। तो गाइस हम लोग गए थे ना क्लब, जब हम लोग क्लब गए थे एंड क्लब में ऐसा डांस किया कि मेरा ये नीचे का ये छीन छान ये जो ये ना ये पूरा ऐसे होल हो गया था उसपे। ये देखो पर इसको मैंने क्यों भेजा? ये तो मेरे साथ बात भी नहीं करता था और मैंने ये फोटो पहले इसको भेजा। क्यों भेजा पता नहीं, तू लाइन मारना चाह रहा था। लाइन मारना चाह रहा था बोल रहा है गाइस। गाइस मैं जब इसको पहली बार मिला था ना तो हम दोनों ऐसे दिखते थे और अभी हम लोग बहुत ज्यादा मोटा हो गए। दिस इज हाउ वी यूज्ड टू लुक। गाइस ये पहले जब हम लोग पहले 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 मिले थे और हम लोग बात करते थे टेक्स्ट में, तो ये एक मेरा दोस्त था बिनी बोल के, मेरा और ग्रेसी का फोटो मैंने स्टोरी में डाला था ना, तो उसने ये कह के उस टाइम पे बोला था, आई डोंट नो व्हाई बट आई लो की वांट यू गाइस टू डेट, यू बोथ लुक सो ग्रेट टुगेदर। मैंने सिर्फ हाहा में जवाब दिया था। आई एम सीरियस ब्रो। अंदर बहुत खुश रहा था। तूने मुझे क्यों ये टेक्स्ट भेजा? तू लाइन मारना चाह रहा था इसलिए तूने मुझे ये टेक्स्ट भेजा। आंटी के सामने भी मैंने लाइन मारा था एक दो बार। और फिर मैं इससे करके हंसा था और वो बोला था आई एम रूटिंग फॉर यू एंड ग्रेसी। हाँ पर सच में आई एम टेलिंग यू गाइस, सब लोग हम लोग को सिम्प कर रहे थे उस टाइम पे, है ना? एवरीवन जिसको भी देखो वो लोग बोल रहे थे कि आई सिप यू गाइस एंड यू गाइस लुक ग्रेट टुगेदर। गाइस अभी मुझे ये फोटो भी मिला। हम लोग एक कैफे में गए थे, इसका बैक स्टोरी मैं आप लोग को बताता हूँ। हम लोग एक कैफे में गए थे एंड वहां पर एक ऐसा नोट लिख के हम लोग डाल सकते थे कैफे में, तो मैंने ये डाला था, लाइक यू कैन सी, मैं इधर डाल दूंगा फोटो। तो ये था, डोंट अपोलोजाइज फॉर हु यू आर, अलाउ योरसेल्फ टू बी व्हाट यू आर, यू शुड नो योर वर्थ। जब हम खाना खाने गए थे ना वहीं पर बता चुकी हूँ। और ये ग्रेसी ने लिखा था माय हैंडराइटिंग Cry forgive, ये क्यों लिखा था मुझे पता है, इसका ब्रेकअप हुआ था ना उस टाइम पे, तो यही वाला लिखा, Cry forgive learn move on। प्लीज मैंने बोला था कि सॉरी मैं क्या लिखूं, तो तुमने ये कोट मुझे फोन से दिखाया था। अच्छा भूल गया गाइस। Cry forgive learn move on, let your tears water the seeds of your future together।
फ्यूचर हैप्पीनेस इसको पढ़ना नहीं आता, इसको स्कूल भेजो, फ्यूचर हैप्पीनेस इसको स्कूल भेजो। फिर नीचे लिखा है ग्रेसी एंड जोरिम, तुमने जोरिम क्यों लिखा? क्योंकि तूने दिया था मुझे ये कोट एंड तूने बोला जोरिम भी लिखो प्लीज। ये मैंने नहीं बोला था, जोरिम कब लिखो बोला मैंने, बोला तुमने। हम लोग का फर्स्ट फोटो जो कि मैंने वॉलपेपर डाला था सबसे पहले, ये फोटो, इसका वॉइस भी बहुत डिफरेंट था उस टाइम पे। भैया दोनों ही कितना स्लिम था, देखो स्किनी। बहुत सारा फोटोज है, हम लोग का ही फोटोज है इधर। तो गाइस इस फोटो भी हो गया, अभी हम लोग इसका सफारी चेक करते हैं, कुछ तो होगा। हिस्ट्री में क्या है? KFC गैस्ट्रिक अपसेट। इसका हिस्ट्री में क्या लिखा है? ये KFC गैस्ट्रिक अपसेट, आई एम डन विद दिस प्लेस। क्यों ढूंढा ये? कल मेरा पेट दर्द करके इसका किया ना गाइज। हम लोग गए थे KFC खाने के लिए ना, उसके बाद जब भी ये KFC खाता है ना इसका पेट दर्द करता है, और रात को 4 बजे बोल रहा है मुझे पोटी आ रहा है। फिर उसके बाद ये क्या ढूंढा फोन में, KFC गैस्ट्रिक अपसेट। तो ग्रेसी ने ये ढूंढा था, व्हाई डज माय स्टोमक हर्ट आफ्टर ईटिंग KFC। कुछ भी नहीं ढूंढते हो क्या तुम? कुछ भी नहीं है तो मैं सफारी चला। और उसके बाद ये इसने ढूंढा था सफारी में, व्हाई डज योर डॉग्स यूरिन कलर, व्हाट डज योर डॉग्स यूरिन कलर मीन। मेरा डॉग अभी वो पीला किया था तो इसलिए सुसु। अच्छा पोटी, हु नोज मी बेटर। क्या ढूंढ रही हो तुम? 150 देखो क्या क्या ढूंढ रहे हो वीडियो के लिए, 150 प्लस नॉटी क्वेश्चंस टू आस्क अ गर्लफ्रेंड। हम चैलेंज किया था ना खुशी और जोरम के साथ, हु नोज मी बेटर, तो उसके लिए वो मैंने सर्च किया। बहुत सारा, वो भी डर्टी 200 डर्टी सेक्सी वुड यू रैदर डर्टी क्वेश्चंस टू आस्क योर गर्लफ्रेंड 199 हु नोज मी बेटर। इतना ज्यादा क्यों ढूंढा फिर? हाउ टू प्रोनाउंस यू द परफ्यूम, वो तुम्हारे लिए ही सर्च किया था, तुम्हारे परफ्यूम के लिए ही। मुझे लगा था कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा इसके सफारी में, पर कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। गाइस कैन यू सी माय पसीना? सेम हियर गाइस। अभी हम लोग एक चीज, सबके फोन में नोट्स होता है, नोट्स चेक करेंगे। टू डू लिस्ट, ये इसका काम का होगा। What is my dream travel destination? वो तुम्हारे लिए ही क्वेश्चन बनाया था मैंने। ओके, थाईलैंड का भी लिखा है, 10K प्लस 30K प्लस 10K। कुछ नहीं लिखा है, सायरी वायरी। I don't know. ये डेंजर अंता, you are the song stuck in my head. Here on a human timi, पटी मात्र जाद छा। तो गाइस ये गाना को बिपना तिमी सुनाया ना दे जा। तो गाइस ये सॉन्ग एक्चुअली मैंने लिखा था, एंड आई वाज गोइंग टू रिलीज दिस सॉन्ग बट नहीं किया क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो गया उस टाइम पे, तो नहीं किया। सो ओके गाइस, इसने ना ये क्या है, इसने लैंग्वेज तामंग लैंग्वेज में लाइक सीखने के लिए शायद इसने लिखा था। मैं बार बार भूल जाती हूँ ना। तो गाइज इसने ना ये क्या लिखा है देखो, आंगी आसेंग मतलब फूफा फुसई, आबेन आमिन मतलब बड़ा बड़ी, आगू आसू मतलब काका काकी, आले मतलब सिस्टर। तो इसने बेसिकली लिखा है यहाँ पर सो दैट ये भूल ना जाए हम लोग के लैंग्वेज में हम क्या बोलते है। गुड जॉब, आई लाइक इट, इतना तो होना पड़ेगा ना। तो गाइज आई थिंक नोट्स भी खत्म हो चुका है, अभी क्या चेक करेंगे गाइज, व्हाट्सएप। चलो इधर ऊपर लव लिख के ढूंढते हैं, लव यू। लव यू ढूंढा तो सिर्फ मेरा ही आ रहा है, लव यू लव यू लव यू लव यू बेबी लव यू लव यू लव यू लव यू। आमा मन दे, आमा को भी बोला
बजिया गर्मी बोला कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है गाइज, कोई भी नहीं है। दिस इज बोरिंग गाइज, तुम्हारे फोन में कुछ है ही नहीं क्योंकि मैं लॉयल हूँ। इसके फोन में कुछ भी नहीं है गाइज, सच में। आई एम गोइंग टू ओपन इंस्टाग्राम नाउ, शायद इसमें कुछ मिल जाए हम लोगों को। ये तो लाइक इंस्टाग्राम अकाउंट तो मेरे पास भी है पर मैंने कभी चेक नहीं किया है इसका पूरा। इधर देखो सब पहचानने वाला ही है। चलो इसका एक्स के साथ हम लोग टेक्स्ट पढ़ते हैं। एक्स के साथ टेक्स्ट पढ़ेंगे अब यार। आई एम टेकिंग कमीशन। मैं इसका लाइक वो नेम रिवील नहीं करूंगा, वैसे भी मैं तो लाइक मुझे तो पता है इसका एक्सेस के बारे में, तो फिर भी आई जस्ट वॉन्ट टू हैव फन। ओके आंटी भी हंस रहा है। इट्स ओके, लाइक आंटी को भी पता है इसका एक्स के बारे में, लाइक जानता है ना बे। इतना सारा हार्ट भेजा है, क्यों भेजा इतना सारा हार्ट? इस तो नो गरी रहा हूँ ना, आई रहते नहीं रहा हूँ। ये उनका वैनिस मोड में जान चाहे मैसेज भी जान चाहता अगर इसे वैनिस मोड में आ लियो बने रहा। इसको डर लग रहा है इसके एक्स के पास मैसेज जाएगा बोल के। कुछ कन्वर्सेशन नहीं है, सीधा बोल रहा है एक्शन लो बेब सब लाइक थैंक यू बनिया। क्या था, बर्थडे था कुछ था, आई डोंट रिमेम्बर। ये बोल रहा है थोड़ी देर बाद बोलेंगे सबको थैंक यू बोलेंगे पहले। ओके बे गिव, ये बोल रहा है गिव मी सम टाइम। ओके सॉरी, रिक्वेस्ट हरू चेक कर देते हैं। शी वाज इसने बोला है कि मैं रिक्वेस्ट चेक कर रहा था। ओके हो जाएगा बोला है उधर से। तो तुम ये सब भी भेजते थे? आई डोंट रिमेम्बर। सो गाइज इसने एक पोस्ट भेजा है उसको, लाइक ऐसा कोटेशन वाला पोस्ट। पीपल हैव एन इमेज अबाउट यू बट यू नो द ट्रूथ अबाउट यू, लेट देम एंजॉय द जजमेंट, देयर जजमेंट, यू स्टे एट पीस विद योर ट्रूथ। बट वही इमेज को वो ट्रूथ बना के चला रहे। बहुत सारा लवी डवी है, लवी डवी इसने स्टोरी में। मुझे क्या पता, मैं भूल गई। इन लोग का ज्यादातर तो इधर का बात करते होगे तुम लोग, व्हाट्सएप पे ही बात करते होगे ना। क्या भेजा था फोटो? आई डोंट नो, मुझे किसी याद होगा। झगड़ा हुआ था इस टाइम पे तुम लोग का, 13 दिसंबर। आपने मतलब सोचे को बे कुछ भैरा को वाला मलाई सोचे ना भाई। अरे तुम ये उस टाइम पे भी ऐसे ही गुस्सा करता था गाइस, सच में बेचारा। देखो उधर से मूड है। तो इन लोग का झगड़ा हुआ था इस टाइम पे, उधर से बोल रहा है, उधर से एकदम काम होके बोल रहा है और यहाँ से ये बम के जैसा फट रहा है। पर बेब बोला है लास्ट में। I'm never gonna joke again and I didn't know itro kura itro sana kura ma itro thulo huncha bhanera. I'm really sorry. Tum sorry bhi bolti thi. अभी तो मैं ऐसे बेब वगैरह नहीं बोलती हूँ, इट्स लाइक वेरी क्रिंज फॉर मी। अभी तो मैं मुझे जोरान बोलता है बाबा, जब मैं बाबा करती हूँ तो बाबा भी मेरा रियल बाप भी मुझे देखता है और ये फेकू बाप भी मुझे देखता है। आई एम सॉरी, आई लव यू। इसने बहुत घोस्ट किया है, एक भी रिप्लाई नहीं दिया उसके बाद सीधा। लेकिन लास्ट में मुझे घोस्ट करके छोड़ दिया। नहीं तुम नहीं घोस्ट किया, झंडे फिर तुम ले तो गोरे ने बंगा ना। तुम नहीं घोस्ट किया लास्ट में भी। ओ नो करो ना, टेंशन भयो मैं नहीं कुरी कोड। तो गाइस खत्म, वैनिस मोड में चला गया तो क्या करूंगी मैं, उसके पास मैसेज चला गया तो खत्म खत्म। अभी मैं इसका फोटो स्क्रीनशॉट करूंगा, मुझे कॉल करेगा वो इंसान, तुझे प्रॉब्लम होगा। इसका भी कुछ ऐसा तो नहीं था गाइस। ये ना तुम किस किस के साथ बात करते थे पहले? मैं भूल गई, मैं बहुत के साथ बात करती थी, मैं भूल गई। अस्ति भने तन्ताय त्यो त बात गरे का त्यो त डिटेशन मा बात। तुम्हारा इधर कोई किसी का टेक्स्ट वगैरह? तब तो ये इंस्टाग्राम नहीं था ना, मैं देखूं। मैं इन लोग का मेरा बर्थडे के दिन ने तुम मेरे बर्थडे के दिन तुमने फोटो भेजा था, मेरे बर्थडे के दिन तुमने अभी याद किया मैंने 21 सितंबर 2019।
2019 का बात है गाइस, शायद इस टाइम में हम रिलेशन में नहीं थे, हम जस्ट बात करते थे। अच्छा सुनो, मम्मी को हंसी आ गया। देखो तुम्हारा वॉइस कितना डिफरेंट था वैसे, तो मैं बच्ची थी ना, 17 साल का बच्चा का सो वॉइस कैसा होता है। अच्छा तो गाना भी डेडिकेट किया है इसको, गाना सुनने के लिए बोला है इधर। दिस सॉन्ग मीन्स अ लॉट टू मी। ओके क्या बोल रहे हो तुम इधर? आई एम सॉरी, वी वर नॉट जस्ट मेंट टू बी। यू कर्स्ड मी व्हेन यू वेंट एंड दैट वेंट ट्रू। केम ट्रू बने का ना तुमने झूठ बोला था ना इस टाइम पे, कुछ हुआ था एक्सीडेंट, लेकिन वैसा क्या बोल रहे है यार, वॉइस ग्रुप में बोल रहा है मेरा एक्सीडेंट हो गया है। सुनो बा, वो भी पूछ रहा है उधर से एक्सीडेंट बोल के। क्या बोल रही है, पहले बोला एक्सीडेंट हुआ, फिर बाद में बोल रहा है कि हाँ फोन चलाते चलने से एक्सीडेंट हो जाएगा इसलिए बोल रहा है। वो भी कंफ्यूज, बेचारा कंफ्यूज हो गया वो भी। फिर उसने टेक्स्ट किया था, ये तो हम लोग रिलेशनशिप में थे तो हाँ इस टाइम पे तो हम रिलेशनशिप में थे। ओ यो टेक्स्ट क्यों था, मैले तिमीलाई भने नि अन्तखेरि ओ उले मलाई टेक्स्ट गर्दैछ ओ रिप्लाई गर न भनेर, क्यों त तिम्रोमा पनि यति बेला पासवर्ड थियो नि, तिमीले पनि हेर्यौ नि यति बेला के भन्दैछ भनेर। तो मुझे ये पता है, मुझे प्लीज गलत इल्जाम मत लगाओ जोड़े। गाइस मेरे साथ रिलेशनशिप में होते होते इसने इसके एक्स के साथ बात किया इधर, और तुम्हें ये पता था, तुम्हारे पास ही पासवर्ड था जब मैं इसको टेक्स्ट कर रही थी ना, तब ये भी देख रहा था। ओ, ये टेक्स्ट। गाइस वो सब छोड़ो, अभी टेक्स्ट का बात छोड़ो, अभी इसका ना पहले का फोटोज देखो। हाँ रिमूव करने के लिए बोल रहा था तुमको टैग यहाँ से। इतना पहले का फोटो था मेरे पास, ये कितना 2018 का फोटो था, और उसमें मैंने पहले जब मैं रिलेशनशिप में थी तो तब टैग किया था मैंने उसको, और ये मुझे 2019 के लास्ट सितंबर में 2020 में बोल रहा है कि इसमें से टैग हटा, तो तूने मुझे टैग पे क्यों रखा है अभी तक, ये टैग से क्यों नहीं हटाया। तो आई वाज लाइक शॉक्ड, मैंने इसको कब टैग किया, मैं तो भूल गई थी। इसने बोला है आई फॉरगॉट द फोटो टैग्स, आई एम सो बिजी दिस डेज आई फॉरगॉट यू एग्जिस्ट, श्योर नो प्रॉब्लम विल डू इट राइट अवे, कीप पेशेंस इट टेक्स टाइम। वो तुमने ही रिप्लाई किया है, प्लीज इसने ही रिप्लाई किया है मेरे एक्स को मेरे फोन से, ऐसा मत बोलो ना। So guys, actually क्या हुआ था, इस टाइम पे वो टेक्स्ट कर रहा था, एंड मैं तो प्रेजेंट में हूँ ना, तो मुझे तो लगेगा कि ये क्यों टेक्स्ट कर रहा है, ये उल्टा बोल रहा है। गाइस आप लोगों को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, मैं मेरा पार्ट बता देती हूँ। तो मेरा एक्स ने मुझे टेक्स्ट भेजा इंस्टाग्राम में, और फिर मैंने जोरिम को बोला कि मेरे एक्स ने मुझे टेक्स्ट भेजा, तो इसने बोला कि ठीक है तू रिप्लाई कर मैं देखूंगी, बोला इसने देखूंगा बोला, तो ये भी टेक्स्ट देख रहा था और मैं रिप्लाई कर रही थी, और फिर इसने रिप्लाई किया मेरे अकाउंट से। मिसअंडरस्टैंडिंग करके तो उल्टा पुल्टा बोल रहा है भाई। तो गाइस इन लोगों का लास्ट कन्वर्सेशन मेरे से ही एंड हुआ था, एक्चुअली आई रिप्लाइड टू हिज मैसेजेस। अभिनव
गाइस दो का मैंने पढ़ चुका हूँ मैं. ये मेरा एक्स नहीं है, वी वर अ थिंग एंड देन दिस गाय प्रपोज टू मी एंड देन जब इसने प्रपोज किया तो आई वाज ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप विद दिस गाय अनदर गाय एंड देन क्या किया इसने कि सिर्फ मेरा ही टेक्स रखा. जब मैंने इसका प्रपोजल डिक्लाइन किया तो तभी मेरे ऊपर से मैसेज आ रहा है कि ही डिलीटेड दिस मैसेज करके खुद का सारा टेक्स डिलीट कर रहा था. एवरीवन में इंस्टाग्राम में आता है ना वो मैसेज डिलीट अनसेंड करने से. तो यही वाला होगा. यू ब्लॉक्ड मी इन व्हाट्सएप बोल रहा है. तो इसने बोला है सो लेट मी क्लियर यू एवरीथिंग. इट्स ओवर. आई हैव अ बॉयफ्रेंड. व्हाटएवर वी हैड इट वाज बिफोर. नाउ आई डोंट फील एनीथिंग फॉर यू. दैट मींस यू यूज्ड टू फील फॉर हिम. वी हैड अ थिंग आई सेड. ओके व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट. एंड आई डोंट केयर व्हेदर यू ड्रिंक स्मोक एंड व्हेदर आई डू. इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. व्हाटएवर आई डू इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. उसके बाद फिर से 2020 जब हम लोग रिलेशनशिप में थे तब भी टेक्स्ट किया था. हे यारी यो और यारी प्लीज ये तू ही है रिप्लाई करने वाला. गाइस इसको भी रिप्लाई किया है इसने. ये जोरे में है बिकॉज़ आई डोंट से यो. हाउ आर यू गुड. वेयर आर यू दिस डेज. होम. होप एवरीथिंग इज गोइंग गुड. यप ऑल गुड. गुड टू हियर दैट. यस गिव माय रिगार्ड्स टू योर फैम टू. श्योर. स्पेशली मम्मा. श्योर. आई जस्ट केम बैक फ्रॉम अ रिकवरी. ओ ये तू ही है क्योंकि ये वाला इमोजी भी मैं यूज कर नहीं करती. यू टू टेक केयर इन दिस पैंडेमिक एंड स्टे स्ट्रॉन्ग. यू डूइंग वेरी गुड. थैंक यू. ऑलवेज देयर. फिर से है सितंबर में. ये भी मैं ही हूँ. तू ही है. ये भी मैं ही हूँ. लाइक इसमें इस टाइम पे तो हम लोग का 3-4 महीना हो चुका था सितंबर में ना. तो आई रिप्लाइड है यस. वेर आर यू होम. वेन आर यू फ्री. वाई वॉन्टेड टू मीट यू वंस इफ पॉसिबल. आई नीड टू नो वाई. For a professional talk regarding an event. Sorry, I'm not into all this anymore. Oh, you think me? Okay, no worries. Yeah, thank you. Thank you for nothing. How are you? I gotta go. Bye. Where are you living? Oh, Ernos Daju, will you please stop texting me? It's you. Yeah, sure. If it's offending you, yes, a lot. Oh my God, it's cringe. And then usne. 1st August 2021 में फिर से मैसेज किया था. मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू यू. हैप्पी बर्थडे. उसका भी जवाब नहीं दिया क्योंकि वो तो मेरे साथ है ना अभी. तो रिप्लाई क्यों करेगा. अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज में जाएंगे. वो है ग्रेसी का गूगल पे. कितना पैसा है वो चेक करेंगे. लाख रुपए रखा है ग्रेसी ने. Oh no! Bonk. Are you serious, Gracie Thapa? Gracie Thapa ke account mein sirf 4,166 rupees hai. 0.39 paise. Kya karti ho tum itna sara paisa jo aata hai? Mummy ke paas rakhne diya hai? Kal tumhe treat diya. मम्मी के पास रखता नहीं. के पास ना गेम्स है. कैंडी क्रश सिर्फ. इसका ना फोन का मैसेजेस जाते हैं. इतना सारा क्या है ये. कुछ भी नहीं है. हाँ. सिर्फ एयरटेल ही बेचता है मुझे. गाइस कुछ भी नहीं है. देखो एटीएम एसबीआई है सब. ब्लू डार्ट कुछ भी नहीं है. कुछ भी नथिंग एट ऑल. लॉयल इंसान का ऐसे होता है. ये कौन लड़का का फोटो है तुम्हारे फोन में. कौन है ये. माय शुगर डैडी. ये तो अंकल का फोटो है. ये मेरा भाई है. हम क्या कर रहे हैं. ये क्यों रो के बैठा था. गाइस देखो मैं रो के इसको फोटो भेजा. मैं क्यों रोया था. आप लोग पहचानो कौन सा मैं हूँ. सो गाइज हम लोग ने ग्रेसी का फोन चेक कर लिया है. कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं है सिवाय इसके टेक्स्ट विद हर एक्स. तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. लाइक आई एंजॉयड रीडिंग हर मैसेजेस जो कि इसके परमिशन से ही मैंने देखा था. इट्स नॉट लाइक आई इन्वेडेड हर प्राइवेसी बट
यस गाइज, दैट वॉज इट फॉर टूडे. इफ यू गाइज लाइक द वीडियो देन कमेंट कर देना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्दी करेंगे. क्या करेंगे? तो गाइज, जोरिम को प्रैंक करने वाला वीडियो जरूर जल्दी आने वाला है. तो यू गाइज स्टे अपडेटेड एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव.